हेलो दोस्तों, मैं प्रशांतिक जामरेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो पे मैं एनसीएल में कंडक्ट कराए जाने वाले एग्जाम HEMM ऑपरेटर का मॉडल पेपर 7 लेके आए हैं, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इसके पहले भी मैंने मॉडल पेपर से रिलेटेड कई वीडियो बनाए हैं, यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ आप उन वीडियो को भी देखें। यहाँ पे एक आई टैब आ रहा होगा, आप वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। हालांकि लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। दोस्तों, इस मॉडल पेपर में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन है और एग्जाम पे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए इस तरह की वीडियो बना सकूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले NCL यानी कि नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, जो कि सिंगरौली पे स्थित है, उस पर जो पेपर कंडक्ट होता है HEMM ऑपरेटर का, उसके एग्जाम पैटर्न को देख लेते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग को पता होगा, यह टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है और इसमें टोटल क्वेश्चन रहते हैं 100, और इसमें टोटल टाइमिंग मिलती है आपको 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे की। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग इसके एग्जाम पैटर्न को अच्छी तरह समझे होंगे। चलिए दोस्तों, डिस्कस करते हैं मॉडल पेपर 7 को। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन भारत के वर्तमान में कोयला मंत्री हैं? बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग इसका राइट आंसर देंगे। तो इसका आंसर रहेगा, वर्तमान में कोयला मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। प्रहलाद जोशी जो है तो वर्तमान में भारत के कोयला मंत्री हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों, इसके पहले कौन थे कोयला मंत्री? तो इसका आंसर रहता पीयूष गोयल, भूतपूर्व कोयला मंत्री थे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत के वर्तमान में चुनाव आयुक्त हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर रहेगा, वर्तमान में चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोरा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। वर्तमान में जो भारत के चुनाव आयुक्त हैं तो उनका नाम है सुनील अरोरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप सभी लोग सोचें और इसका आंसर बताएं। तो इसका आंसर रहेगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी लोग सोचें और इसका आंसर बताएं। तो इसका आंसर रहेगा, इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे और क्वेश्चन नंबर डाल देंगे, ताकि मुझे पता चल सकेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है कि भाग 17 में कहा गया है कि हिंदी भारत की राजभाषा है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 2 मिशन कब लॉन्च किया गया? बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर रहेगा, चंद्रयान 2 मिशन कब लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर रहेगा, 22 जुलाई 2019 को। ठीक है, 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान मिशन 2 लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस किस में से निकाला जाता है? आप सभी लोग जानते होंगे, लिटमस पेपर जो होता है तो किससे बनाए जाते हैं? तो इसका आंसर रहेगा, लाइकेन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे खतरनाक मिसाइल कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है कि भारत की सबसे खतरनाक मिसाइल है अग्नि 5। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस मनाया जाता है? बताइए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो मुझे उम्मीद है आप सभी लोग इसका राइट आंसर देंगे। तो इसका आंसर रहेगा, हिंदी दिवस जो है तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में उड़ीसा के राज्यपाल क्या है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर रहेगा, वर्तमान में उड़ीसा के राज्यपाल हैं श्री गणेशी लाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। और उड़ीसा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका आंसर रहेगा, नवीन पटनायक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि भारत
की खनिज राजधानी किसे कहा जाता है, किस राज्य को भारत की खनिज राजधानी कहा जाता है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से स्थान पर अगला क्रिकेट विश्व कप होगा, तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर रहेगा अगला क्रिकेट विश्व कप होगा भारत में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। किस सन में होगा, सन 2023 पे होगा, इसके पहले कहाँ हुआ था, इंग्लैंड पे हुआ था 2019 पे, और इसका विनर टीम भी इंग्लैंड ही थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत में वर्तमान में रेल मंत्री हैं, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर है कि भारत के वर्तमान में रेल मंत्री कौन है, तो इसका आंसर है पीयूष गोयल, ठीक है। पीयूष गोयल जो है तो वर्तमान में भारत के रेल मंत्री हैं, ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर है कि न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, ठीक है, ऑप्शन नंबर टू इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष अभियान भारत में कब प्रारंभ किया गया, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। दोस्तों मैंने बताया था केंद्र सरकार वाली योजना वाली वीडियो पे, यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को भी देखें। तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर रहेगा मिशन इंद्रधनुष अभियान भारत में कब लॉन्च किया गया, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर एक, ठीक है, 25 दिसंबर सन 2014 को लॉन्च किया गया, ऑप्शन नंबर वन इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा देश है जो भारत से न्यूनतम सीमा साझा करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर रहेगा भारत से न्यूनतम सीमा साझा कौन सा करता है, तो इसका आंसर रहेगा अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान जो है तो भारत से न्यूनतम सीमा साझा करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी है, तो आप सभी लोग जानते होंगे हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या है 18, ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCCI का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर है कि BCCI का मुख्यालय जो है तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई पे स्थित है, ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, बहुत ईजी है। तो इसका आंसर है कि नीली क्रांति का संबंध जो है तो किससे है, मछली उत्पादन से है, ऑप्शन नंबर टू इसका राइट आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट विश्व कप 2019 का खिताब किसने जीता था, अभी मैंने बताया था, तो इसका आंसर रहेगा इंग्लैंड ने जीता था, ठीक है, ऑप्शन नंबर वन इसका राइट आंसर रहेगा। और यह किसको हरा कर जीता था, तो इसका आंसर रहता न्यूजीलैंड को हरा के जीता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत की आर्थिक राजधानी है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर वन पे यहाँ पे क्या रहेगा, मुंबई रहेगा, ठीक है, मिसप्रिंट हो गया, मैंने लिखना भूल गया, तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे मुंबई रहेगा, ऑप्शन नंबर वन पे क्या रहेगा, मुंबई रहेगा, ठीक है। तो बताइए भारत की आर्थिक राजधानी क्या है, तो इसका आंसर रहेगा मुंबई, ठीक है, भारत की वित्तीय राजधानी या आर्थिक राजधानी क्या है, मुंबई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कुल कितने जिले हैं, तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर है कि दिल्ली में कुल कितने जिले हैं, 11 जिले हैं, ऑप्शन नंबर वन इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुशाला की रचना किसने की थी, तो आप सभी लोग बताएं इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर है कि मधुशाला की रचना किसने की थी, हरिवंश राय बच्चन ने की थी, ऑप्शन नंबर टू इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को सोयाबीन स्टेट कहा जाता है, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर रहेगा मध्य प्रदेश को जो है तो सोयाबीन स्टेट कहा जाता है, ऑप्शन नंबर वन इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है, ठीक है, टाइगर स्टेट किस राज्य को कहा जाता है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। दोस्तों कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर जरूर लिख दिया करें ताकि मुझे पता चल सके। जैसे कि मैंने पूछा क्वेश्चन नंबर 23 पे भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है, तो आप सभी लोग आंसर पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है, जो भी होगा तो आप सभी लोग लिख के बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्सम शब्द है, बताइए, ये सभी चार ऑप्शन दिए हैं, तो इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है,
तो इसका आंसर रहेगा वर्षा जो है तो तत्सम शब्द है, ऑप्शन नंबर वन इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपकार का विलोम क्या होगा, बहुत ईजी है। तो इसका आंसर रहेगा उपकार का विलोम जो है तो अपकार होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसने कहा था किसकी प्रसिद्ध रचना है, मैंने कई बार बताया है। तो इसका आंसर रहेगा उसने कहा था किसकी प्रसिद्ध रचना है, तो इसका आंसर रहेगा श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, ठीक है, श्री चंद्र धर शर्मा की प्रसिद्ध रचना है, ठीक है, जिसे शॉर्ट पे गुलेरी जी भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर वन इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों यदि आपने हमारे हिंदी से रिलेटेड वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है और एग्जाम पे उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत का पुराना नाम क्या है, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर रहेगा महाभारत का पुराना नाम क्या है, जय सहिष्णु है, ऑप्शन नंबर टू इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर एग्जाम पे पूछा जाता है। तो इसका आंसर रहेगा सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो इसका आंसर रहेगा नर्मदा नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर वन इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में कुल कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर रहेगा वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील में क्या क्या होता है, आप सभी लोग जानते होंगे स्टेनलेस स्टील क्या होता है, तो उसमें बताइए उसमें कौन कौन सी धातु पाई जाती है। तो इसका आंसर रहेगा लोहा, निकिल और क्रोमियम पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर टू इसका राइट आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पादप कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है, आप सभी लोग जानते होंगे जंतु कोशिका और पादप कोशिका होती है, तो आप सभी लोग बताइए कि पादप कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर रहेगा सेंट्रोसोम जो है तो पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, ऑप्शन नंबर वन इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उनके प्रिपरेशन भी अच्छी हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटी माता रोग किस सूक्ष्मजीव से होता है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर रहेगा छोटी माता रोग जो है तो वेदीशिला जोस्टर नामक सूक्ष्मजीव से होते हैं, ऑप्शन नंबर वन इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। छोटी माता रोग किस सूक्ष्मजीव से होता है, तो इसका आंसर रहेगा वेरिसेला जोस्टर, ठीक है, ऑप्शन नंबर वन इसका राइट आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सोने की शुद्धता किससे मापी जाती है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर रहेगा सोने की शुद्धता जो होती है तो कैरेट में मापी जाती है, ऑप्शन नंबर वन इसका राइट आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील कौन सी है, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है बुलर झील है, ठीक है, ऑप्शन नंबर वन इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है, जो बुलर झील जो है तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की ऊर्जा नगरी किसे कहा जाता है, मैंने बताया था बहुत ईजी क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है आप सभी लोग इसका राइट आंसर देंगे। तो इसका आंसर है सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा नगरी कहा जाता है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर जरूर बताइएगा ताकि मुझे पता चल सके आपकी तैयारी कैसी चल रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है तो कोलकाता पे स्थित है, ऑप्शन नंबर टू इसका राइट आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक टेस्ट क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय थे, तो आप सभी लोग क्रिकेट तो देखते ही होंगे, तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर है अनिल कुंबले जो है तो टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले पहले भारतीय थे, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपको इस तरह की वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भरतनाट्यम नृत्य का संबंध किस राज्य से है, बताइए भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है। तो इसका आंसर रहेगा तमिलनाडु राज्य से है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि तमिलनाडु राज्य के वर्तमान में CM कौन है, यानी कि चीफ मिनिस्टर कौन है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर है कि भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोसांग उत्सव मनाया जाता है। बताइए जो लोसांग उत्सव होता है किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है कि सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचशीर घाटी स्थित है। तो इसका आंसर आप सभी लोग सोचें और इसका आंसर बताएं। तो इसका आंसर रहेगा, पंचशीर घाटी जो है तो अफगानिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा खगोली पिंड रात की रानी कहा जाता है? बताइए किस खगोली पिंड को रात की रानी कहा जाता है? मैंने अपने सौरमंडल वाली वीडियो पे बताया था। तो इसका आंसर रहेगा, चंद्रमा जो है तो चंद्रमा को रात की रानी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर रहेगा, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर रहेगा जापान को। ठीक है, जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि डूबते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है, डूबते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर जरूर लिख दीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो आप सभी लोग जानते होंगे मीनाक्षी मंदिर जो है तो मदुरै में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? आप सभी लोग जानते होंगे इसका आंसर। तो इसका आंसर रहेगा, नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? अंग्रेजी है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? तो बताइए मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो इसका आंसर रहेगा, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष जो है तो बरगद है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका आंसर है कि भूकंप की तीव्रता जो है तो रिक्टर पैमाने से मापी जाती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले नगर के नाम से जाने जाने वाला धनबाद भारत के किस राज्य में स्थित है? इससे ये क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता है। तो इसका आंसर रहेगा, कोयला नगर के नाम से जाने जाने वाला धनबाद जो है तो भारत के झारखंड राज्य पे स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उड़ीसा बिहार से किस वर्ष पृथक हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर रहेगा, उड़ीसा बिहार से सन 1936 में पृथक हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका आंसर है कि भारतीय युवा दिवस जो है तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। किसकी याद पे मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद जी की याद पे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दिलीप और अनिल किसी काम को मिलकर 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, दिलीप अकेला उस कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है, तो अनिल उस कार्य को बताइए कितने दिन में पूरा करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दिलीप को हम मान लेते हैं ए। ठीक है, हमने दिलीप को मान लिया ए और अनिल को हमने मान लिया बी। ठीक है, यानी कि ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन करते हैं? 15 दिन तक करते हैं। इसके बाद क्या बोला है, दिलीप अकेला उस कार्य को 24 दिन में पूरा करता है, यानी कि ए जो है तो उस कार्य को अकेले कितने दिन में करता है? 24 दिन में करता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ। फार्मूला या शॉर्ट ट्रिक आप जो भी समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फार्मूला क्या रहेगा, फार्मूला रहेगा ए प्लस बी, ठीक है, कोष्टक रहेगा यहाँ पे, इनटू रहेगा ए, ठीक है, बटे पे क्या रहेगा, ए माइनस ए प्लस बी। ठीक है, आप सभी लोग सोच रहे होंगे ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, दिलीप वो अनिल यानी कि ए और बी, यानी कि ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी रहेगी, 15। ठीक है, और ए की वैल्यू कितनी रहेगी, दिलीप अकेला उस कार को कितने दिन में कर रहा, 24 दिन में, यानी कि ए की वैल्यू रहेगी यहाँ पे 24। तो इस फॉर्मूले पे मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे रख दिया 24, ठीक है, 24, सॉरी यहाँ पे आगे 15 आएगा, 15 इंटू 24
बटे पे यहाँ पे रहेगा 24 माइनस 15, ठीक है, यहाँ पे इंटू पे है 15 × 24 / 24 - 15, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 × 24, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। 24 में जब 15 को हम घटाते हैं तो कितना आता है, 9 आता है, तो आप इसे काट दीजिए, 3 × 9 और 3 × 5 = 15, 3 × 3 3 × 8 = 24, यानी कि 8 और 5 का आपस में गुणा होकर कितना आ जाएगा 40 दिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा, यानी कि अनिल उस कार्य को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा, 40 दिन में पूरा करेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 और 25 का मध्यानुपाति ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मैंने कई बार कराया है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने क्या बताया था, जब भी मध्यानुपाति की बात आए, ठीक है, मध्यानुपाति की बात आती है तो क्या करते हैं, जो भी संख्या दी रहती है उन दोनों का वर्गमूल के अंदर गुणा करा देते हैं, ठीक है। क्या करना है, इन दोनों का वर्गमूल के अंदर गुणा करा देते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मध्यानुपाति, ठीक है, मध्यानुपाति बराबर अंडर रूट 9 × 25, ठीक है। 25 में जब हम 9 का गुणा करेंगे आपस में कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 200, अंडर रूट 225, और अंडर रूट 225 की वैल्यू कितनी होती है, 15 होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा, आप सभी लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां एवं गाय हैं, इनके पैरों की कुल संख्या 140 है और मस्तकों की संख्या कितनी है, 48 है, तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सभी लोग से बनता होगा, मुझे उम्मीद है, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम मुर्गियों को मान लेते हैं एक्स और गाय को हम मान लेते हैं वाई, ठीक है। इसके बाद क्या बोला है, इनके मस्तकों की संख्या, मस्तकों की संख्या, ठीक है, मस्तकों की संख्या कितनी है, 48 है। तो आप सभी लोग बताएं, मुर्गी और गाय की तो एक ही से रहेंगे ना, तो हमने यहाँ पे लिख दिया एक्स प्लस वाई बराबर कितना होगा, 48। इसके बाद क्या बोला, इनके पैरों की कुल संख्या, तो आप सभी लोग बताएं मुर्गी के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद गाय के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4y, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 140, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गए और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। आप सभी लोग देख रहे होंगे इक्वेशन नंबर टू पे 2 का भाग आसानी से चला जाएगा, इसलिए हम इक्वेशन नंबर 2 को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 पे 2 का भाग लगा देते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा एक्स प्लस 2y, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा, ठीक है। 140 में जब हम 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा, और ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया, ठीक है। हमने छोटा करने के बाद इक्वेशन नंबर 2 क्या प्राप्त किया, एक्स प्लस 2y बराबर 70, और इक्वेशन नंबर 1 क्या था, एक्स प्लस वाई बराबर कितना था, 48 था। बस आप इसे सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। अब क्या कर दीजिए, इक्वेशन नंबर वन माइनस इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को आपस में घटा दीजिए, ठीक है। इन दोनों को आपस में घटाना है, यहाँ पर प्लस माइनस ये कट गए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस 2y से y चला जाएगा, तो कितना बचेगा, माइनस y, और यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस 70 से 48 जाएगा, तो कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 22 बचेगा, ठीक है, माइनस 22, तो माइनस से माइनस ये भी कैंसिल होगा, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू अपने पास आ गई 22, ठीक है। y को हमने क्या माना था, गाय माना था, ये गाय की संख्या कितनी आ गई, 22 आ गई, और हमें क्या याद करना है, मुर्गियों की संख्या, और मुर्गी को हमने क्या माना था, x माना था, और इक्वेशन नंबर अपना 1 क्या था, इक्वेशन नंबर 1 था x प्लस y बराबर 48, ठीक है। y की वैल्यू अपने पास कितनी है, y की वैल्यू अपने पास है 22, और यहाँ पर कितना है, 48 है, 22 को 48 से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो x की वैल्यू अपनी आ जाएगी 26, यानी कि 48 माइनस 22 बराबर 26, ठीक है। ऑप्शन नंबर से इसका राइट आंसर रहेगा, मुझे उम्मीद है आप सभी लोग समझ गए होंगे। यदि फिर भी किसी तरह की मिस्टेक रह जाती है तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा धारक के प्रतिकूल 16 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तथा धारक के अनुकूल 28 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तय करता है, तो बताइए उसकी वास्तविक चाल क्या होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें वास्तविक चाल ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं हम वास्तविक चाल, ठीक है। वास्तविक चाल के लिए क्या करते हैं, धारक के प्रतिकूल, ठीक है, धारक के प्रतिकूल प्लस धारक के अनुकूल, इन दोनों के चाल को आपस में जोड़ के 2 का भाग लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट पे लिख देता हूँ, प्रतिकूल चाल
ठीक है, प्रतिकूल हो गए, और यहाँ पे हम मैंने क्या लिख दिया, प्लस अनुकूल चाल बटे दो। ठीक है, धारा के प्रतिकूल चाल प्लस धारा के अनुकूल चाल को आपस में जोड़ के दो का भाग दे देना है, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, वास्तविक चाल। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16 प्लस 28 बटे दो, यहाँ पे क्या रहेगा, वास्तविक चाल रहेगी। ठीक है, वास्तविक चाल यहाँ पे रहेगी, तो 28 और 16 मिलके कितना हो जाएंगे, 44 हो जाएगा। ठीक है, 28 और 16 मिलके आपस में कितना हो गया, 44 हो गया, और बटे में दो रहेगा, तो 44 में हम जो दो का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा, 22 किलोमीटर पर होवर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या है, तो बताइए इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या है। मैंने अभाज्य संख्या के लिए एक मतलब डेफिनेशन बताई थी, तो डेफिनेशन क्या थी, वे संख्याएं जिसमें केवल एक गुणनखंड हो, ठीक है, जिसका केवल एक गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो आप सभी लोग ऐसी संख्या ढूंढें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, तो मैंने अभाज्य संख्या की डेफिनेशन बताई थी कि अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसका केवल एक गुणनखंड होता है। ठीक है, एक गुणनखंड मतलब वे संख्या केवल एक और उसी संख्या से भाग जा सकती हैं। ठीक है, जैसे कि आप सभी लोग देखेंगे कि 12 किस किस से कट जाता है, एक से कट जाता है, 3 से कट जाता है और 4 से कट जाता है। ठीक है, इस तरह 56 भी कट जाता है और 84 भी कट जाता है। लेकिन आप 7 को देखेंगे तो 7 सिर्फ 7 से कटता है और 1 से कटता है, यानी कि वे संख्याएं जिसका केवल एक गुणनखंड हो, ठीक है, उसे कहते हैं अपन अभाज्य संख्या। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समभाव त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1:2 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब समबाहु त्रिभुज की बात हो, ठीक है, समबाहु त्रिभुज की भुजाओं की बात हो और हमें क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना हो, तो क्या करते हैं, जो ये भुजाएं दी रहती हैं उनका वर्ग कर देते हैं बस। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, भुजा कितनी दी है, 1:2, यहाँ पर हम लिख देते हैं भुजाओं का अनुपात, और हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्या कर देते हैं, इनका वर्ग कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1:4। ठीक है, कौन से ऑप्शन पे दिया है, ऑप्शन नंबर सी पे दिया है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉसिक 60 की वैल्यू कितनी होती है, कॉसिक 60 की वैल्यू कितनी होती है, आप सभी लोग बताएं। तो आप बताएं, साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसिक होता है। ठीक है, ये होता ना कॉसिक, यहाँ पर साइन थीटा लिख दीजिए, यहाँ पर कॉसिक थीटा लिख दीजिए, इतना होता है ना। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो कॉसिक 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका अपोजिट हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉसिक 60 बराबर √2/3। ठीक है, उसका अपोजिट हो जाएगा सेम, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋण यहाँ पे क्या बोला है, ऋण 3, 4, 0, 4, 2, ऋण 5, 1, 7, 10 और 5 आंकड़ों का बहुलक क्या है। ठीक है, यहाँ पे एक वैल्यू दी हुई है, वैल्यू कितनी है, −3, 4, 0, 4, 2, −5, 1, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2x+3 = 9, तो 3x+2 की वैल्यू भी याद करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2x+3 एक इक्वेशन दे दिया है, +3 = 9। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है, 3x+2। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको, हमें यहाँ से x की वैल्यू जो मिल जाएगी उसमें इसमें रख देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए x की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो x की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे, जैसे यहाँ पे 3 लिखा है, 3 का पक्षांतर करेंगे 9 के वहाँ तरफ, तो कितना आ जाएगा, 2x = 9 - 3। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2x = 6। ठीक है, 2x = 6, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, अब ये वाला जो इक्वेशन है इस पे x की वैल्यू को रख दीजिए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 × 3 + 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 + 2 = 11। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहा। बहुत ईजी क्वेश्चन था ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए समीकरण को किसी भी दो चिन्हों का बदलकर ठीक करें। ठीक है, जो इक्वेशन दिया है तो इस पे चिन्ह बदलना है जिससे 21 आ जाए। ठीक है, चिन्ह को परिवर्तित करना है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 16
प्लस चार प्लस टू माइनस 21 इंटू 7 बराबर 21। ठीक है, तो दोस्तों मैं इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। आप सभी लोग चिन्ह को परिवर्तित करके सॉल्व कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि की जाए तो किसी परिवार की चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करना पड़ेगा ताकि चीनी का खर्चा न बढ़े। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको फार्मूला बताया था। फार्मूला क्या था, जो भी कीमत बढ़ती है या घटती है तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 100 इंटू वृद्धि, ठीक है, वृद्धि या कमी, ठीक है, प्रतिशत पे लिख दिया, ठीक है, वृद्धि या कमी प्रतिशत, बट पे क्या रहेगा 100 प्लस वृद्धि या कमी, ठीक है, 100 प्लस वृद्धि या कमी, ठीक है। तो अभी से सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 100 इंटू 25 बटे 100 प्लस 25, ठीक है, जो प्रतिशत दिया है, जो प्रतिशत यहाँ पे दिया बस उसी का खेल है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 100 इंटू 25 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 125। तो 25 से कम 25, 25 पंचे 125, तो 5 से कम 5 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 20, ठीक है, 20 × 25 100, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है, 20% इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम और मोहन की आयु में 5:3 का अनुपात है, ठीक है, यदि उनकी वर्तमान आयु 40 वर्ष है तो मोहन की वर्तमान आयु क्या होगी। बहुत ईजी क्वेश्चन है, मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको तरीका भी बताया था। हमें किसकी आयु याद करना है, मोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। और अनुपात कितना दिया है राम, ठीक है, राम और मोहन ने कितना अनुपात दिया है, 5:3, और हमें किसकी आयु याद करना है, मोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, ठीक है, और अनुपात पे कितना दिया, 5:3, यानी कि मोहन के लिए कितना है 3 है। तो सॉल्व हो गया क्वेश्चन। तो क्या करते हैं, जो अनुपात दिया रहता है, ठीक है, मोहन का अनुपात यहाँ पे कितना है 3 है, तो हमने 3 लिख दिया। इसके बाद क्या करना है, राम और मोहन की अनुपात को जोड़ देना है आपस में, 5 + 3, ठीक है, इसके बाद क्या करना है, जो वर्तमान आयु दी है उसका गुणा करा देना है, यानी कि 40 का गुणा करा दीजिए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3/8 × 40, तो 8 × 8, 8 × 5, 40, 3 और 5 का आपस में गुणा होकर कितना आ जाएगा 15, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि रीजनिंग के क्वेश्चन है, आप सभी लोग इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि किस टाइप से इसे सॉल्व किया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि के आई सी को सी के को के सी आई के लिखा जाता है तथा एम डबल ए एन को एन ए डबल एम लिखा जाता है तो उसी तरह गुड को क्या लिखा जाएगा। आप सभी लोग देख रहे होंगे, जैसे यहाँ पे किक लिखा है, के आई सी के, ठीक है, किक को कैसे लिखा है, यहाँ पे कूट वर्ण पर लिखा है, जो पहले लास्ट वाला अक्षर है उसको पहले कर दिया, यानी कि के की बात यहाँ पे क्या आ जाएगा, के सी आई, इसके बाद क्या कर दिया, के कर दिया, यानी कि अपने को उल्टे क्रम से आगे बढ़ना है। तो उसी तरह में क्या करेंगे, अपने को गुड लिखना है, गुड को उल्टे क्रम पे लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, इसके बाद ओ ओ, इसके बाद जी आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कैट को 24 सैट को 24 तो एस एच ई को क्या लिखा जाएगा। इस क्वेश्चन को भी मैंने कई बार कराया है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे कैट लिखा सी ए टी, सी कौन से अक्षर पे आता है, अल्फाबेट पे तीसरे अक्षर पे आता है, ठीक है, ए कौन से अक्षर पे आता है, पहले अक्षर पे आता है, इसके बाद टी कौन से अक्षर पे आता है, बीसवें अक्षर पे आता है, तो ये सब मिलके कितने हो गए, 24 हो गए, ठीक है, हो गए ना। तो अब अपने को किसे सॉल्व करना है, एस एच ई को, ठीक है, तो यहाँ पे एस लिख दिया, एच लिख दिया और ई लिख दिया, ठीक है। एस कौन से अक्षर पे आता है, एस आता है अपना 19वें अक्षर पे, और एच कौन से अक्षर पे आता है, 8वें अक्षर पे आता है, और ई कौन से अक्षर पे आता है, 5वें अक्षर पे आता है। तो आप सभी लोग इसे जोड़ें तो 19 और 8 कितना हो गए, 27 हो गए, 27 × 5 कितना हो गए, 32 हो गए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रोमन संख्या में 50 को क्या लिखा जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप सभी लोग देखें और बताएं इसका आंसर क्या हो सकता है। रोमन संख्या तो आप सभी लोग जानते होंगे, जैसे कि आप सभी लोग 1 को इस टाइप से लिख देते हैं, ठीक है, 2 को आप किस तरह लिख सकते हैं, इस टाइप से लिख देते, इसे कहते हैं रोमन संख्या। तो उसी तरह में बताएं कि 50 को क्या लिखा जाएगा। तो इसका आंसर है 50 को लिखा जाएगा L, ठीक है, 50 को क्या लिखा जाएगा,
एल लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई संख्या का अगला पद क्या होगा। जैसे यहाँ पे एक सीरीज डी है, सीरीज क्या है, 3, 7, 15, 31, ठीक है। तो इस सीरीज का अगला पद क्या होगा, तो आप सभी लोग बताएं। तो जैसे कि आप सभी लोग देख रहे होंगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पहला पद लिखा है, तो अपने को पहले पद से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद क्या बोला, यहाँ पे 7 दिया है, तो कितने का गैप है, 4 का गैप है, लेकिन अपने को गैप वाली मैट्रिक को भी नहीं लगाना है। तो आप सभी लोग देख रहे होंगे क्या करते हैं, जो ये संख्या दी है यानी कि पहला पद दिया है, 3 में 2 का गुणा करा के 1 को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 × 2 = 6, 1 = 7, ठीक है। इसी तरह क्या करते हैं, 7 में 2 का गुणा करा दीजिए और 1 को जोड़ दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 7 × 14 = 15, ठीक है। इसी तरह क्या करते हैं, 15 में 2 का गुणा करा देते हैं, 15 में 2 का गुणा करा के 1 जोड़ देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 15 × 30 = 31, ठीक है। इसी तरह क्या करते हैं, 31 में 2 का गुणा करा के 1 जोड़ देते हैं, तो 31 × 62 = 63 आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। कैसे करना है, जो पहला पद है उसमें 2 का गुणा करा के 1 को जोड़ देना है, तो अपने को अगला पद ज्ञात आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। बताइए तेलों के हाइड्रोजनीकरण में कौन सा उत्प्रेरक यूज करते हैं, तो इसका आंसर रहेगा निकिल उत्प्रेरक का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर रहेगा प्रकाश वर्ष जो है तो दूरी का मात्रक है। दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 68 लिख के बताइएगा, ठीक है, एक प्रकाश वर्ष की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, एक प्रकाश वर्ष बराबर, ठीक है, इसकी वैल्यू आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फीमेल शिप इज कॉल्ड। बताइए ए फीमेल शिप को क्या कहते हैं, तो मैंने बताया था इसका आंसर क्या कहते हैं, ईव कहते हैं, EWE, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ही ट्रेवल्स एरोप्लेन लिखा है, तो मैंने क्या बताया था, जब भी कोई साधन आता है जैसे बस ट्रेन कोई भी साधन आता है जिससे अपन कहीं जाते हैं ट्रेवलिंग करते हैं, तो उसमें हमेशा बाइक का यूज करते हैं, ठीक है। ही ट्रेवल्स बाई एरोप्लेन, यहाँ पे बाइक का यूज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चूज इन करेक्ट स्पेलिंग। बताइए इन सभी 4 ऑप्शन पे किसकी स्पेलिंग सही लिखी हुई है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो आप सभी लोग देखते होंगे पेशेंट को हमेशा किस टाइप से लिखते हैं, PATIENTS, ठीक है, पेशेंट को हमेशा इस टाइप से लिखते हैं। पेशेंट मतलब क्या होता है, रोगी होता है, आप सभी लोग जानते ही होंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूरल मीन्स एच। बताइए क्यूरल मतलब क्या होता है, मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर। तो इसका आंसर रहेगा क्यूरल मतलब होता है झगड़ना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नर्स मीन्स एज। बताइए जो नर्स होती हैं, नर्स को हिंदी पे क्या कहते हैं, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर रहेगा नर्स को हिंदी पे कहते हैं परिचारिका, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सौर मंडल वाले क्वेश्चन है। सौर मंडल का सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, इसका आंसर आप सभी लोग जानते भी होंगे। तो इसका आंसर रहा, यदि आपने सोचा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सौर मंडल का सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, पृथ्वी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 है। मिनी माता रोग किसके कारण होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर पूछा जाता है। तो आप सभी लोग बताएं मिनी माता रोग किसके कारण होता है, तो इसका आंसर रहेगा पारा के कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो आप सभी लोग जानते होंगे इसका आंसर। तो इसका आंसर है प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति थे मुरारी जी देसाई, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक व्यक्ति का परिचय अपने पति से कराती हुई एक महिला कहती है, इसके भाई का पिता मेरे बाबा का इकलौता पुत्र था, ठीक है, महिला इस व्यक्ति की कौन है, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी कि बहन का रिश्ता लगेगा, आप सभी लोग इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र कौन सा है, तो बताइए इसका आंसर क्या रहेगा, मैंने बताया था। तो इसका आंसर रहेगा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा।
आई रिपीट, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा विद्युत केंद्र कौन सा है? विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सड़कों का विभाजन करने वाली रेखा किस रंग की होती है? आप सभी लोग बताएं, सड़कों का विभाजन करने वाली रेखा किस रंग की होती है? आप सभी लोग तो गाड़ी चलाते होंगे तो देखते होंगे, जैसे कि ये सड़क है, ठीक है, बीच बीच में सड़क पे इस टाइप से वाइट पट्टी रहती है, ठीक है, वाइट वाइट रहती है ना, तो ये विभाजन पट्टी होती है, ठीक है, तो किस रंग की होती है? तो इसका आंसर रहेगा सफ़ेद रंग की होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों के पंजीकरण कराने पर मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा के अधीन वाहन का चलान किया जा सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग जानते होंगे, तो इसका आंसर रहेगा धारा 39/192 के तहत चलान किया जाता है, ठीक है, आप सभी लोग इसे याद कर लीजिए, धारा 39/192 के तहत वाहन का चलान किया जा सकता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GQ यानी कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट भारत के कितने शहरों के लिए है? GQ मतलब क्या होता है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना भारत के कितने शहरों के लिए है? तो इसका आंसर रहेगा चार, ठीक है, भारत के चार शहरों के लिए है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि चार शहर कौन कौन से, मैंने बताया भी है इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोटर वाहन अधिनियम 1988 का विस्तार कहाँ पे है? तो आप सभी लोग जानते होंगे मोटर वाहन अधिनियम 1988 का प्रसार जो है तो संपूर्ण भारत पे है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामने की गाड़ी से ओवरटेक करने के लिए किस ओर ओवरटेक करना चाहिए? तो बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? तो इसका आंसर रहेगा हमेशा दाईं ओर करना चाहिए, ठीक है। आई रिपीट, सामने की गाड़ी से आगे जाने के लिए किस ओर ओवरटेक करना चाहिए? तो इसका आंसर रहेगा हमेशा दाईं ओर करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रात्रि में वाहन साइड में खड़ा करना हो तो क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर रहेगा पार्किंग लाइट चालू कर लेनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCL में कुल कितने अंडरग्राउंड माइंस हैं? तो इसका आंसर रहेगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है, अंडरग्राउंड NCL में जो है तो अंडरग्राउंड एक भी माइंस नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा, सभी ओपन माइंस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये जो चित्र प्रदर्शित किया गया है ये क्या प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर रहेगा ये जो है तो पैडल क्रॉसिंग प्रदर्शित करता है, ठीक है, पैरल यात्रियों को पार करने के क्रॉसिंग को बतलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक सिंबल दिया गया है, इस सिंबल में क्या प्रदर्शित करता है बताइए आप सभी लोग? तो इसका आंसर है कि आगे खतरनाक खाई है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप सभी लोग बताएंगे, यह चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका आंसर रहेगा आगे सकरा पुल है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? इसका आंसर आप सभी लोग बताएं। तो इसका आंसर है कि दक्षिण पश्चिम मानसून जो है तो भारत में सर्वप्रथम केरल में प्रवेश करता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ पे स्थित है? बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका आंसर है कि सिक्किम राज्य पे स्थित है। दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि सिक्किम के वर्तमान में CM कौन है, ठीक है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। दोस्तों प्लीज़ आप इस वीडियो को यदि अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक विनाशक नदी है? तो आप सभी लोग जानते होंगे कोसी नदी जो है तो एक विनाशक नदी कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वनस्पति शास्त्र का जनक कौन सा है? तो इसका आंसर है थियोक्रेटस, ठीक, थियोक्रेटस को वनस्पति शास्त्र का जनक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। SI पद्धति में लेंस की इकाई क्या है? तो इसका आंसर है SI पद्धति में लेंस की इकाई क्या है? डायोप्टर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिन खनिज से युक्त भारत का एकमात्र राज्य है? तो बताइए भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ टिन उत्पादित होता है? तो इसका आंसर रहेगा छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य से टिन पाए जाते हैं। दोस्तों प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपको इस तरह की वीडियो आगे भी प्रोवाइड कर सकूं। क्वेश्चन नंबर 95 है, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है?
तो इसका आंसर रहेगा 24 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ी कोयले की खान बाकी किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो सकता है, विश्व की सबसे बड़ी कोयले की खान किसे कहते हैं, बाकी को कहते हैं, तो किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर है कि जिम्बाब्वे में, ठीक है। जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? हरारे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आगा खां कप का संबंध किससे है? बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, आगा खां कप का संबंध किससे है? तो इसका आंसर रहेगा हॉकी से है, ठीक है, हॉकी से है आगा खां कप का संबंध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को हाल ही में चौथे एशियाई पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी मिली है? आई रिपीट, किस देश को हाल ही में चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी मिली है? तो इसका आंसर रहेगा बहरीन देश को मिली है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर रहेगा विश्व शरणार्थी दिवस जो है तो 22 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हाल ही में उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई है, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, तो इसका आंसर है कि गरसैंण को हाल ही में उत्तराखंड राज्य की राजधानी बनाई गई है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनके प्रिपरेशन भी अच्छे हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू। दोस्तों मैंने NCL में कंडक्ट कराए जाने वाले सभी एग्जाम के लिए मैथ, हिंदी, इंग्लिश और मॉडल पेपर से रिलेटेड कई वीडियो को बनाया है, यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उन वीडियो को भी देखें, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का PDF प्राप्त करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से जाके इस वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं।